जबलपुर शहर में आज से भव्य कलश यात्रा के साथ शिव महापूजन ज्ञान यज्ञ कथा की शानदार शुरुआत हुई। सभी कष्टों का नाश कर भाग्योदय करने वाली यह कथा 23 फरवरी तक चलेगी। गुरुवार 13 फरवरी को गोकुल नगर शिव मंदिर से सुबह 10:30 बजे कलश यात्रा आरंभ हुई। फटाकों की आतिशबाजी व बैंड के भक्तिमय धूम के साथ यात्रा भक्ति से उपृत होकर आगे बढ़ रही थी। यात्रा में सबसे आगे बैंड पार्टी, उसके पीछे सिर पर शिव पुराण धारण किए यजमान व कलश लिए करीब 250 महिलाएं एवं अंत में आकर्षक रथ पर सवार होकर कथावाचक श्री श्याम सुंदर दास महाराज के कृपा पात्र शिष्य आचार्य श्री राघवेंद्र दास जी महाराज शामिल हुए थे। पूरी यात्रा के दौरान शिव पुराण ग्रंथ एवं महाराज पर पुष्प वर्षा की गई। यात्रा का शिवनगर वार्ड में गोस्वामी मार्ट के संचालक की ओर से शरबत व छाछ तथा विवेकानंद वार्ड में अरुण सुराना व पवन राजगढ़े की ओर से पानी बोतल का वितरण किया गया। रैली कला मंदिर, कादरिया मस्जिद, राउत की चक्की, फूटी दीवाले होते हुए सुभाष हॉल पहुंची, जहां दोनों यजमान बद्री प्रसाद गुप्ता व संजय चौहान के हाथों ग्रंथ पूजन व आरती कर कथा आरंभ की गई। यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। गोपस्त्री परिवेशितो विजय